इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इन सेमेस्टर सिक्स कंटेन्स टू पार्ट फर्स्ट पार्ट इज फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैगनेटिकट इज मैक्स इक्वेशन एंड देयर एप्लीकेशंस एंड द सेकेंड पार्ट कंटेन्स पोलराइजेशन दैट इज ऑप्टिक्स पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड देयर एप्लीकेशंस सो फर्स्ट टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है मैक्सुअस इक्वेश मैक्स इक्वेश वेक्टर स्केलर पोटेंशियल गॉस ट्रांसफॉर्मेशन ये सब डे deri डिशन है सेकेंड चैप्टर में इसके एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैटिक वेब प्रोपिगेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम्स अलग अलग मीडियम में इलेक्ट्रोमैटिक वेब्स का क्या uh, किस तरह के फॉर्म चेंजेस होते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नंबर थ्री इज नंबर थ्री चैप्टर इज इलेक्ट्रोमैटिक वेब्स इन बाउंडेड मीडिया बाउंडेड मीडिया में इलेक्ट्रोमैटिक वेब्स क्यों इम्पोर्टेंट्स हैं

देन ऑप्टिकल फाइबर्स ये हमारा लास्ट चैप्टर है सो so, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जो स्टार्ट होता है मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशन से होता है सो मैक्सल्स फील्ड इक्वेशन जो है वो चार टाइप्स के मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशन है इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैग्नेटिज्म को मिला के हमारे मैक्सवेल्स ने चार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेसिक चार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन डिराइव किए थे सो द टाइम इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैटिक फील्ड इक्वेश आर कॉल्ड मैक्सल्स फील्ड इक्वेशन दिस इक्वेशन आर मैथमेटिकल एब्सट्रक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मतलब ये जो इक्वेशन है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से डराइव किए गए सो देर आर फोर फंडामेंटल इक्वेश जनरली जो हमारे मैक्ल्स इक्वेशन है वो चार तरह के हैं नंबर वन इज़ ये हमारे चारों इक्वेशन्स याद रहने चाहिए क्योंकि इसी के हम लोग एडवांस फॉर्म डिफरेंट चैप्टर्स में अलग अलग फॉर्म में देखेंगे सो फर्स्ट इज फॉर गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड चार्ज पहले तो हम लोग इस इक्वेशंस को देख लेंगे उसके बाद फिर एक एक करके चारों इक्वेशंस के डेरिवेशन को भी देखेंगे सो गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हमारा होता है डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो जहाँ पे डी जो है इलेक्ट्रिक डिसप्लेसमेंट वैक्टर है और रो जो है फ्री चार्ज डेंसिटी है रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम भी हम लोग इसको कह सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज हम लोग देखे थे दिस इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम नंबर टू गोसेस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड इट इज डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो वेयर बी इज द मैग्नेटिक इंडक्शन इन वेबर पर मीटर स्क्वायर जो फील्ड का हमारा यूनिट होता है नंबर थ्री एम्पियस लॉ इन सर्कुटल फॉर्म एम्पियस लॉ इन सर्कुटल फॉर्म ये हमारा इक्वेशन होता है कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू डेट इज डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू बाय डो डोटी प्लस जे डी तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है एच जो है वो करेंट डेंसिटी है जे जो है वो करेंट डेंसिटी है और यह जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी हम लोग इसको कह सकते हैं नंबर फोर इज ये नंबर थ्री हो गया सो नंबर फोर इज फरारडेज लॉ ऑफ ए सर्कुटर फॉर्म फॉर द इंड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ये हमारा है कर्ल ऑफ इज इक्वल टू माइनस डोबी बाई डोटी ठीक है कर्ल ऑफ ई दैट मीनस ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है भी तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर है तो इस तरह से हमारे चार इक्वेशन हो गए पहला इक्वेशन हो गया हमारा ये हमें याद रखना चाहिए डाइवर्जेंस ऑफ ई दैट इज डेल डॉट ई डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो सेकेंड इक्वेशन हमारा हो गया डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो थर्ड इक्वेशन हमारा हो गया कर्ल ऑफ एच दैट इज डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू j vector j plus dou d by dou t partial differentiation of displacement vector with respect to time and the last one that is fourth number curl of e is equal to डोबी बाई डोटी अब एक एक करके इस सारे इक्वेशन को हम लोग डिराइव करेंगे सो so फर्स्ट हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इक्वेशन सो फर्स्ट लेट अस कंसीडर ए सरफेस एस एक हम लोग सरफेस एस कंसीडर कर रहे हैं बॉन्डेड ए वॉल्यूम टाउ तो एक सरफेस एस है और उसको वॉल्यूम एस टाउ जो है वो है उसको इंक्लोज कर रहा है विद इन द ए एक डायलेक्ट्रिक है डायलेक्ट्रिक्स को जो वो कंटेन कर रहा है ओरिजिनली द वॉल्यूम टाउ कंटेन्स नो नेट चार्ज शुरू में वॉल्यूम जो टाउ जो है वो कोई भी नेट चार्ज जो है वो यहाँ पे नहीं है उसके अंदर में बट

एक चार्ज जो होगा वो रियल चार्ज होगा जिसको हम लोग रियल चार्ज डेंसिटी कहेंगे और दूसरा जो होगा बाउंड चार्ज होगा जो डायलेक्ट्रिक को ब्रेक करके बाहर नहीं निकलेगा डायलेक्ट्रिक एक्चुअली क्या होता है एक तरह का मटेरियल्स होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज एक तरफ और नेगेटिव चार्ज एक तरफ हमारे अलाइन होते हैं ठीक है तो ऑब्वियसली इसके अंदर में जो चार्ज डेंसिटी होगा वो हम लोग मान के चल रहे हैं रो डैस है और फ्री चार्ज डेंसिटी जो रियल चार्ज है वो है हमारा रो तो इसके चलते हमारा जो टोटल चार्ज जो है वो हो जाएगा रो के चलते और रो एस के चलते सो so, हम लोग जानते हैं गोसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गोसेस लॉ जो होता है दैट इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू वन बाई एप्सलम नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड। अब ये हमारा रो क्या है रो हमारा होता है चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो यहाँ पे स्मॉल वॉल्यूम नोट किया हुआ है. तो अगर हम लोग यहाँ पे चार्ज कंसिडर करने जाए ये क्या हो जाएगा रो टाइम्स डी तो यहाँ पे चूंकि चार्ज डेंसिटी हमारा दो है तो ये हो जाएगा पहले वाले के लिए रो डीटाओ और दूसरे वाले के लिए चार्ज डेंसिटी हो जाएगा रोडैस डी टाव तो दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा डी डिटाव अगर कॉमन ले लें तो रो प्लस रो डैश सो तो रो प्लस रो डैश जो कि डिटाव टाइम्स है सो तो इसको हम लोग इंट्रीग्रेट करेंगे टाओ के रिस्पेक्ट में तो और हम लोग जानते हैं कि टोटल फ्लक्स फ्लक्स किसी भी वेक्टर का फाइन करने के लिए हम लोग उसका सरफेस इंटीग्रल लेते हैं सो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू वन बाई एप्सलम नॉट रो प्लस रोडाइस डी टाओ अब ये जो हमारा एप्सलम नॉट है अब ये इधर चला जाएगा लेफ्ट हैंड पार्ट में सो so, ये हो जाएगा एप्सेलम नॉट टाइम्स ई डॉट डी एस और इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे एक हो जाएगा रो डी और दूसरा हो जाएगा रोडाइस डीटाओ इक्वेशन नंबर वन यही हमारा यहाँ फिगर में डिनोट करके दिखाया गया है नाउ एज द बाउंड चार्जेस रोडास इज डिफाइन एज पोलराइजेशन के केस में चूंकि रोडास किसके चलते प्रोड्यूस हो रहा है ये पोलराइजेशन के चलते प्रोड्यूस हो रहा है डायलेक्ट्रिक प्लेस करने के बाद वहाँ पे जो पोलराइजेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसके चलते यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है और पोलराइजेशन वैक्टर पी पी क्या है पी इज ए पोलराइजेशन वैक्टर तो सेमेस्टर टू में हम लोगों ने पढ़ा है कि पोलराइजेशन वैक्टर पी Is equal to, होता है सॉरी uh, और is equal to divergence of vector P. तो चूंकि हमारा डिनोट है, है तो रोड टू हो जाएगा माइनस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ पी इसके बाद हम लोग जानते हैं चूंकि इस साइड में हमारा वॉल्यूम इंट्रीगेशन है और इधर में हमारा सरफेस इंट्रीगेशन है तो दोनों तरफ हमको सेम इंटीग्रेशन करना होगा तो हम लोगों ने मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा है गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम कहता है कि जब हम लोग सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज करते हैं तो उस वेक्टर के आगे में डाइवर्जेंस लग जाता है तो ये जो हमारा सरफेस इंटीग्रल है ये चेंज हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन में और एस जो है वो चेंज हो गया वॉल्यूम इंटीग्रेशन में और ई e के आगे में क्या लग जाएगा डाइवर्जेंस लग जाएगा सो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ई डी टाओ सो इक्वेशन हमारा वन क्या हो जाएगा इक्वेशन वन में हमारा ई डॉट डी एस है तो यहाँ पे हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ई डी टाउ इज इक्वल टू रो डी और इस रोड के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे रोडस के जगह पे हम लोग पुट करेंगे माइनस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर तो इधर आके हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ एप्सलम नॉट वैक्टर ई प्लस वैक्टर पी इज इक्वल टू डी इन टू डीटा इज इक्वल टू रू डीटा हम लोगों ने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट वैक्टर सेमेस्टर टू में पढ़ा है ट्वेल्थ क्लास में भी पढ़ा है कि अगर पोलराइजेशन वैक्टर दिया हुआ हो तो डिस्प्लेसमेंट वैक्टर डी का जो दोनों के बीच में रिलेशन होता है डी इज इक्वल टू होता है एप्सिलम नॉट ई प्लस वैक्टर पी सो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे वैक्टर सिंपली वैक्टर डी सो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू डी टाव इज इक्वल टू रो डी टाव अब इस क्वांटिटी को भी हम लोग इधर लेके आते हैं तो हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ डी माइनस रो डीटा इज इक्वल टू जीरो सो दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल वॉल्यूम ये इक्वेशन सभी वॉल्यूम्स के लिए ट्रू होगा सही होगा सो इंटीग्रैंड मस्ट वैनिश इंटीग्रेशन को हम लोग वैनिश कर सकते हैं इंटीग्रेशन जैसे वैनिश करेंगे तो डाइवर्जेंस ऑफ डी माइनस रो इज इक्वल टू जीरो सो डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रो को हम इधर लेके आएंगे तो डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो क्वेश्चन नंबर वन यही हमारा मैक्सलस का फर्स्ट फील्ड इक्वेशन या मैक्सवेल्स इक्वेशन हमारा है क्वेश्चन नंबर अब हम लोग नेक्स्ट सेकेंड नंबर वाले में आते हैं जिसमें हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिराइव करना है कि डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू वो जीरो होता है सो एक्सपेरिमेंट टू दैट मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट मोनोपोल मैप मतलब मैग्नेटिक हमेशा डाइपोल में प्रेजेंट होते हैं अगर साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल भी होगा सिर्फ साउथ पोल या नॉर्थ पोल मोनोपोल कहने का मतलब सिंगल पोल तो साउथ पोल सिंगली या नॉर्थ पोल सिंगली एग्जिस्ट नहीं करता है एक्सपेरिमेंट टू डैट हैव सोन दैट मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट This in turn implies that magnetic lines of force are either closed group or go of infinity. ठीक है इसका मतलब है कि मैग्नेटिक लाइंस जो है वो क्लोज लूप बनाता है मैग्नेटिक लाइंस के बारे में हम लोग जानते हैं ये भी सेमेस्टर टू में और क्लास ट्वेल्थ में हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक लाइंस जो है इमेजिनरी लाइंस होते हैं जो हमारे प्रोड्यूस होते हैं आ, उसके डायरेक्शन को मैग्नेटिक लाइन्स के डायरेक्शन को शो करने के लिए हम लोग इसको देखते हैं फिर तो आइदर ये क्लोज लूप प्रोड्यूस करते हैं या फिर ये इन्फिनिटी में चले जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग जानते हैं कि अगर बार मैग्नेट लिए हुए इस तरह से हमारा

मतलब चूंकि जितना नंबर इंटर कर रहा है उतना ही नंबर बाहर निकल रहा है तो टोटल एक दूसरे का जो बैलेंस कंडीशन है वो जीरो हो जाएगा कितना प्लस उतना ही माइनस ठीक है डेट मीन्स और हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, में टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिनोट करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं उसका सरफेस इंटीग्रल लेते हैं सो सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो

सो एव इक्वेशन विल ट्रू ओनली वेन द इंट्रीगेशन वेन इजेस ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई करेगा जब ये इंट्रीग्रांड या हम लोग इंट्रीगेशन जो है वो जीरो हो जाए दैट मीन्स डायवेजेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो और यही है हमारा मैक्सोल्स का सेकेंड फील्ड इक्वेशन या मैक्सुलस सेकंड इक्वेशन अब आते हैं मैक्सुअल्स थर्ड इक्वेश्स में जिसमें हम लोगों ने कर्ल ऑफ एच के बारे में देखा था कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस टू टी बाई टू टी इसके लिए हम लोग को एमपीएस लॉ का हेल्प लेना होगा सो एम्पीएस सर्कूटर लॉ द वर्क डन इन कैरिंग यूनिट मैग्नेटिक पोल वन राउंड ए क्लोज आर्बिट्री पाथ लिंक विथ ए आई इज एक्सप्रेस एज मतलब ये हमारा एमपीएस सर्कूटर लॉ है वो कहता है एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई चूंकि आई जो है आई एक करंट है करंट को करंट डेंसिटी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं तो हम लोग जानते हैं कि जे जो है वो एक करंट डेंसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है करंट डेंसिटी और करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू होता है करंट बाई एरिया करंट बाई एरिया सो करंट

नाट चेंजिंग द लाइन इंट्रीगल इंटू द सर्फेस इंट्रीगल चूँकि यहाँ पे हमारा लाइन इंट्रीगल है यहाँ पे सर्फेस इंट्रीगल है तो इस सर्फेस इंट्रीगल को हमको लाइन इंट्रीगल में चेंज करना होगा तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे स्ट्रोक्स थ्योरम को स्ट्रोक्स थ्योरम कहता है कि जब भी हम लोग लाइन uh, इंट्रीगल को सर्फेस इंट्रीगल में चेंज कर सॉरी सर्फेस इंट्री लाइन इंट्रीगल को सर्फेस इंट्रीगल में चेंज करते हैं तो वैक्टर के आगे में क्या लग जाता है कर लग जाता है तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा सर्फेस ऑफ कर्ल ऑफ एच डी एस इज इक्वल टू जे डॉट डी एस ठीक है तो कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया दोनों तरफ से अगर डीएस कैंसिल कर दें सरफेस इंटीग्रल कैंसिल कर दें तो कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे बट मैक्सवेल फाउंड इट टू बी इनकम्प्लीट फॉर चेंजिंग डायलैक्ट्रिक फील्ड एंड एज्यूम दैट ए क्वान्टिटी और मैक्सवेल ने देखा कि ये जो क्वान्टिटी है वो इनकम्प्लीट है और डायलैक्ट्रिक फील्ड के, के केस में ये जो है जे वेक्टर उसमें एक्स्ट्रा एक और जे वेक्टर आता है जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट करंट करते हैं जिसका वैल्यू होता है डो डी बाई डोटी डी जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और जे करंट डेंसिटी है तो करंट डेंसिटी जो होगा डोटी बाई डोटी होगा तो एक्स्ट्रा टर्न हम लोग को यहाँ पे ऐड करना होगा सो दिस डिस्प्लेसमेंट करंट मंड ऑल्सो भी इंक्लूडेड इन इट दैट मीन्स यहाँ पे जैसे हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं कि जे के साथ जे डी भी हम लोग को यहाँ पे इंक्लूड करना होगा

इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑफ द वर्क डन मूविंग एनिट चार्ज थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस डीएल ई डॉट डी एल जो होगा वो क्या होगा वर्क डन वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इन टू डिसमेंट होता है सो फोर्स कितना लग रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में फोर्स जो है वैक्टर ही से लग रहा है और टोटल डिसप्लेसमेंट हमारा कितना हो रहा है डीएल सो वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज वन राउंड ए सर्किट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम क्लोज सर्किट लेंगे ई डॉट डी एल

अब हम लोग जानते हैं B इज इक्वल टू क्या होता है B ये जो है flux is equal to होता है होता सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएस ने ट्रांसफॉरिंग द लाइन इंटीग्रल बाय स्ट्रोक थीरम इन टू द सर्फेस ये जो हमारा लाइन इंटीग्रल है इसको हम लोग सर्फेस इंटीग्रल में चेंज करेंगे तो सर्फेस इंटीग्रल में चेंज करने से क्या होगा ई के आगे में हमारा क्या लग जाएगा कर लग जाएगा तो कर्ल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डो डी डोटी बी चेंज के चाय कर रहा है तो एस जो है वो फिक्स है तो ये हमारा इक्वेशन इधर आके आएगा तो हो जाएगा कर्ल ऑफ ई प्लस डो बी बाई डी एस कॉमन सो कर्ल ऑफ ई प्लस डो बी बाई प्लस डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग चारों इक्वेश को अलग अलग कंडीशन से कैसे डिराइव कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लें अलग अलग कंडीशन के लिए अगर कोई कंडक्टिंग मीडियम है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी है और एप्सिलिटी म्यू म्यू आर है सो डी इज इक्वल टू होता है हमारा एप्सिलम ई डी और ई e के बीच में ये रिलेशन है तो एप्सिलम के जगह हम लोग जानते हैं कि एप्सिलम इज इक्वल टू होता है हमारा एप्सिलम आर रिलेटिव परमिमिटी ऑफ मीडियम इंटू रिलेटिव परमिमिटी ऑफ फ्री स्पेस सो डी इज इक्वल टू एप्सिलम एप्सिलम इज इक्वल टू एप्सिलम नॉट अगर चेंज कर लें पहला इक्वेशन हमारा था ये बहुत ईजिली हम लोग सोल्व कर सकते हैं एक को हम लोग सोल्व करेंगे बाकी सारा अपने से सोल्व करके देखा जा सकता है किस तरह से हो सकता है सो so, पहला इक्वेशन हमारा था डाइवर्जेंस ऑफ पहला एक नंबर पहला नंबर हम लोग सोल्व कर रहे हैं बाकी हम यहाँ पर डाय लिख रहे हैं बाकी अपने से सॉल्व करके लिख लेना है सो डाइवर्जेंस ऑफ डी इज़ इक्वल टू क्या था हमारा इक्वेशन? डाइवर्जेंस ऑफ़ डी इज़ इक्वल टू अब हमको डी के जगह पे क्या पुट करना है एप्सलम नो आर एप्सलम नॉट ई तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ एप्सलम नॉट एप्सलम आर इंटू वैक्टर ईज इक्वल टू रो तो अगर नॉट और आर मेरा कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा डायवरजेंस ऑफ वेक्टर ई इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाय एप्सुलम नॉट इनटू एप्सिलम आर इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं उस तरह से बाकी सेकेंड थर्ड फोर्थ का हम लोग जब चेंज करेंगे सारा वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरह से इक्वेशन आए। सॉल्व करके देखा जा सकता है काफ़ी इजी है ये कोई विशेष बेस, डिफिकल्ट इसमें नहीं है उस तरह से इन नॉन कंडक्टिंग मीडिया नॉन कंडक्टिंग मीडिया केस में एप्सिलम आर आर एम आर दोनों का वैल्यू हमारा रो सिग्मा ज़ीरो सारा ज़ीरो होता है जे और सिग्मा ई का वैल्यू भी जीरो होता है तो उस केस में कल ऑफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो सॉरी डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो इसमें पुट करेंगे क्योंकि रो का वैल्यू जीरो है नॉन कंडक्टिव मीडिया में तो यहाँ रो इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो कल ऑफ एच इज इक्वल टू जीरो तो यह कल ऑफ सॉरी डायवर्जेंस ऑफ एच इज इक्वल टू जीरो डायवर्जेंस ऑफ एच इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे जे जे का वैल्यू भी जीरो है और एप्सिलम नॉट एप्सिलम आर सिर्फ रह जाएगा तो ये हो जाएगा कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू एप्सिलम आर एप्सिलम नॉट डो ई बाय डो टी इसके बाद हमारा कर्ल ऑफ ई म्यू नॉट म्यू आर ये है हमारा यहाँ पे इसका कोई वैल्यू यहाँ पे नॉन कंडक्टिव मीडिया में किसी से कोई मतलब नहीं है सो माइनस म्यू आर म्यू नॉट टू एच बाई टू टी अब आते हैं इन फ्री स्पेस फ्री स्पेस में हमारा एफ्सल आर और म्यू आर का वैल्यू वन होता है और सिग्मा रो का वैल्यू ज़ीरो होता है तो डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू ज़ीरो डाइवर्जेंस ऑफ एच इज इक्वल टू ज़ीरो म्यू आर का वैल्यू वन हो जाएगा तो ये हो जाएगा म्यू नॉट डो ई बाई टी म्यू आर का वैल्यू वन हो जाएगा तो माइनस म्यू नॉट टू एच बाई टी एक बार प्रैक्टिस कर लेने से सारे क्वेश्चन काफ़ी ईजी है अलग अलग फॉर्म में दिख सकते हैं तो हमारे बेसिक्स जो चार इक्वेशन है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसी इक्वेशन पे आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे के चैप्टर्स में इसको पढ़ेंगे